पानी आ रहा है देख के कराची वालों का, यहाँ पे फ्लैट हो गए। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेटा फूड के नाज़रीन, आई होप सारे ठीक ही होंगे। तो मैं आज आया हुआ था पिंडी में, 6 रोड के पास आया था ये दाल चावल खाने। ठीक है, अवैध भाई तो बड़े कहते हैं कि यार ये सस्ता खाना है और ये सस्ता खाना है। ठीक है, तो मैं उनको सबसे पहले सलाम दूंगा और उनके लिए मैं ये चैलेंज लाया हूँ, ठीक है, कि कराची में ऐसे दाल चावल मुझे कहीं पर दिखा दें। तो आइए खाते हैं दाल चावल और देखते हैं दिखते कैसे हैं और टेस्ट में कैसे हैं। तो दिखाते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये दाल चावल आप कब से लगा रहे हैं और इतने मजे की कैसे है ये? थैंक यू वेरी मच, मजे का कहने का तकरीबन 7 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 7 साल? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इन 7 साल में ये सिर्फ 150 रुपए की? सिर्फ मैं 60 रुपए से शुरू की थी, अभी तो एक अंता नहीं महंगाई हो गई है, तो मैं सिर्फ 150 की थी। अदरवाइज अगर सस्ता हो जाएगा तो सस्ती भी कर देंगे, लेकिन ये कोशिश यही होती है कि अच्छी क्वालिटी अच्छा टेस्ट। नहीं मतलब कहने का मकसद ये कि इस्लामाबादियंस के लिए तो ये इतना सस्ता है कि नाम होता नहीं। उधर इस्लामाबाद में जो चावल मिलते हैं इस तरह दाल चावल के साथ, जिससे तो तकरीबन 350-400 रुपये की एक। हाँ, वो बस कस्टमर पर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ तो इस पर बेचारे काफ़ी परचेज पावर लोगों की इतनी ज़्यादा है नहीं यहाँ पर। अच्छा। लेकिन ये कि शहर के बाहर से भी लोग आते हैं, इस्लामाबाद से फैमिलीज आती हैं, खा के जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मुझे अब प्लेट बना के दिखाएं अपने इंटरनेशनल तरीके से जो आप बनाते हैं प्लेट। जी श्योर। ये दाल है? हाँ जी, ये 3 किस्म की दाल होती है। अच्छा, तो ये कैसे बनाते हैं? चने की दाल, मूंग, उसको मिक्स करके तो उसको ग्राइंड किया होता है। तो इसका टेस्ट जो थोड़ा उस टाइप का होता है, अब कैसे मैं आपको समझाऊँ, तो वो आप कैसे लाते हैं इसके अंदर, जो इस दाल के अंदर जो आपका टेस्ट एक अलग टाइप सा होता है। और ये चटनी डाली आपने? जी ये रायता डाला है और ये हमारा ब्रांडेड अचार है। ओ, ये खास बात मेरे ख्याल से इस अचार की हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप बगैर अचार के खाएंगे तो भी आपको पसंद आएगी। ये प्लेट तैयार हो चुकी है, खाएंगे और फिर आपको बताएंगे। और कबाब भी आ गए? कबाब भी है? कबाब भी आ गया। मुँह में पानी आ रहा देख के, कराची वालों का यहाँ पे फ्लैट हो गए। अभी मैं खा के बताता हूँ कैसी। प्लस अवैध भाई को मैं दिखाना चाहता हूँ, भाई साहब देखें ये 150 रुपये में कितनी भी आई दाल चावल, वो भी पिंडी में। तो नाज़रीन ट्राई करेंगे, कैमरा मैन पहले आके इन्हें दिखाओ कितना VIP लग रहा है ये दाल चावल। सलाद प्लस कबाब अचार फिर इनकी VIP दाल, ट्राई करते हैं यार है कैसा। अपने मशहूर पिंडी में ये मिलती है। तबाही तबाही मज़े किया यार, जैसी तारीफ़ें सुनी थी है भी वैसी। और एक और ख़ास बात आपको इसकी बताऊं, ये अचार और कबाब का जो कॉम्बिनेशन है प्लस सलाद, इनको अगर मिक्स करके बंदा खाता है ना, मैं कहता हूँ जो इसका एक अलग सा टेस्ट डेवलप होता है ना मुंह के अंदर, कमाल है। ओए हो, कराची वालों देख लो है कैसा। हम बस यार नहीं, भी हम अपना व्लॉग एंड करते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नए ब्लॉग में नए फूड के साथ। और ये बस अवैध भाई को दिखाने के लिए, यार इस्लामाबाद पिंडी में भी सस्ते खाने मिलते हैं, ठीक है ना, सिर्फ कराची में नहीं मिलते अवैध भाई। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।